नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समाजशास्त्र का भाग दूसरा, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 21 से 40 तक। ठीक है दोस्तों, हर वीडियो में केवल और केवल 20 प्रश्न ही लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा है? यह किसने कहा है? यह कहा है बार्गेस ने कहा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है, जिसमें एक व्यक्ति एक परिस्थिति सा संस्था का सावधानी पूर्वक तथा पूर्व विश्लेषण किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? यह किसकी परिभाषा है? तो आप यह है दोस्तों, बी सेंज एंड बी सेज की परिभाषा है दी थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की प्रकृति है गुणात्मक गणनात्मक दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि है गुणात्मक है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के जन्मदाता हैं, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति के जन्मदाता कौन है या फिर कौन है? तो यह दोस्तों है लीफले द्वारा इसका जन्मदाता माने जाते हैं। लीफले को जन्मदाता माना जाता है व्यक्तित्व अध्ययन का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या व्यक्तिक अध्ययन पद्धति इकाई का संपूर्ण अध्ययन है? क्या व्यक्तिक अध्ययन पद्धति इकाई का संपूर्ण अध्ययन है? दोस्तों हाँ, नहीं, मालूम नहीं या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाँ, यह सही है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र किस पद्धति को कहा जाता है? सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र किस पद्धति को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह व्यक्तिक अध्ययन को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तिज्ञ अध्ययन पद्धति हमारे बोध ज्ञान को विकसित करती है, यह किसने कहा था? दोस्तों यह कहा था ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स कूले द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, परिणामात्मक अध्ययनों में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? परिणामात्मक अध्ययनों में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका वी राइट आंसर है, यह दोस्तों निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्यों के सांख्यिकी विवरण लिखे थे? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जास ग्रांड, ऑप्शन सी गैलीलियो या ऑप्शन डी काम्ट्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों यह अरस्तु द्वारा विवरण दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रासंभाव्यता सिद्धांत का प्रयोग निम्न में किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, ऑप्शन बी वैज्ञानिक पद्धति, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक पद्धति या ऑप्शन डी सांख्यिकी पद्धति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में क्षेत्र प्रयोग और प्रयोगशाला का प्रयोग शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 32वां प्रश्न है, किस पद्धति में पूर्व पश्चात प्रयोग किया जाता है? किस पद्धति में पूर्व पश्चात प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक पद्धति में लोगों के मत व्यवहार का अध्ययन किसने किया था?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हैसिंगर ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सैद्धांतिक और अनुभाविक तथ्य किसके लिए एकत्र किए जाते हैं। सैद्धांतिक और अनुभाविक तथ्य किसके लिए एकत्र किए जाते हैं। इसके नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, सामाजिक घटना के लिए एकत्र किए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र से तथ्य एकत्र करता है। अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र से तथ्य एकत्र करता है दोस्तों, यह प्राथमिक वाले करता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा प्राथमिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक तथ्य वे आंकड़े हैं जिन्हें पहली बार एकत्र किया जाता है। यह कहा था, यह किसने कहा था दोस्तों, यह कहा गया था बोगर्ड्स द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन साक्षात्कार, ऑप्शन बी अपलोकन, ऑप्शन सी अनुसूची या ऑप्शन डी प्रश्नावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रश्नावली। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, टेलीफोन द्वारा एकत्र तथ्य कौन सा स्रोत है। टेलीफोन द्वारा एकत्र तथ्य कौन सा स्रोत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, काल माता का विश्लेषण कितने घटकों से प्रभावित होता है। काल माता का विश्लेषण कितने घटकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए 4, 3, 2 या फिर 1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 घटकों से प्रभावित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष विधि है। तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष विधि है, साक्षात्कार, समाजमिति, लिकट्स पैमाना या फिर अनुसूची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।